वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की, जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश की तरफ से निकली है। गाइस, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू यहाँ पे रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। तो चलिए एक बार इसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे जान लेते हैं। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है, तो यहाँ पे आगे वैकेंसी डिटेल्स देखते हैं। 44 जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन कम एजुकेटर की पोस्ट के ऊपर रिलीज की गई है। 38 वैकेंसी जो यहाँ पे रिलीज की गई है वो यहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट के ऊपर रिलीज की गई है। टोटल अगर बात की जाए तो यहाँ पे 82 आपकी वैकेंसी रिलीज की गई है। अब बात करेंगे इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो पहले अर्ली इंटरवेंशन कम एजुकेटर की बात करेंगे यहाँ पे। तो कैंडिडेट को यहाँ पे स्पेशल बीएड विद डिप्लोमा इन मेंटल रिटार्डेशन अगर उन्होंने कंप्लीट किया, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनके पास है, तो वो लोग एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट की। तो यहाँ पे आपने बैचलर डिग्री अपनी ऑडियो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, या फिर आपने बीएससी कंप्लीट किया हो स्पीच और हियरिंग के अंदर, या फिर आपने स्पेशल बीएड यहाँ पे ऑडियोलॉजी और स्पीच के अंदर कंप्लीट किया हो, या फिर आपने इन सब चीजों के अंदर डिप्लोमा लिया हो, तो फिर आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे गाइस यहाँ पे आपकी सैलरी की। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरवेंशन कम स्पेशल एजुकेटर की, तो यहाँ पे 15,000 आपकी यहाँ पे पर मंथ की सैलरी रहने वाली है। अब बात करेंगे यहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट की, तो 20,000 आपकी पर मंथ यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। बात करेंगे एज लिमिट की, तो 21 से 40 साल यहाँ पे एज लिमिट है दोनों ही के लिए, दोनों ही वैकेंसी के लिए 21 से 40 साल यहाँ पे एज लिमिट है। आगे देख लेते हैं। बात करेंगे अगर आप लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो कहाँ से अप्लाई करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं www.sams.co.in। गाइस, sams.co.in पे आप जाकर के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही गाइस यहाँ पे आप लोग कब तक अप्लाई कर सकते हैं और कब से, तो आप लोग यहाँ पे 11 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। होप सो गाइस आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनकेडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनकेडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, स्टेट पीएससी, यूजीसी, नेट, आईआईटी, जेईई। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपनी प्रिपरेशन अनकेडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर